हम बात कर रहे हैं पीएनबी की, पंजाब नेशनल बैंक की। अगर लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो हमको इसमें 4% तक के अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिले। और इससे पहले वीडियो में हमने लगातार डिस्कस किया था कि हमको इसमें 80 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, 80 की लेवल को स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है, ऐसा लगातार हम पिछली वीडियो में डिस्कस करते आ रहे थे। और हम देख सकते हैं कि 80 के लेवल को ब्रेकआउट भी किया स्टॉक ने और उसकी क्लोजिंग भी हमको 80 के ऊपर ही मिली है, 80 के ऊपर हमको इसकी क्लोजिंग मिली है। क्योंकि हमने देखा था एक बड़ा जंप आया, 80 के लेवल से रिजेक्शन लिया था और अगेन ऊपर की ओर जब ब्रेक और जब बाउंस बैक हुआ है तो इस हाई को ब्रेकआउट दिया है, अगेन हमको सेलिंग प्रेशर यहाँ से देखने के लिए मिला है और अगेन हमको 79-80 की लेवल से हमको बाउंस बैक होकर 80 के लेवल को ब्रेकआउट कर गया है। अब हमको नज़र रखना है इस हाई पर, इसको आने वाले दिन में ब्रेकआउट कर सकता है, इसके पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। अब हमको इसमें पीएनबी में लगातार तेज़ी नज़र आ सकती है। बात करें सपोर्ट की तो ये जो इसका लो है तकरीबन 80 रुपीज़ का मानकर चला जा सकता है, 80 रुपीज़ का लेवल इसका सपोर्ट का काम करने वाला है, इमीडिएट सपोर्ट का काम। और अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो जब तक स्टॉक 77 के ऊपर है तब तक यहाँ बड़ी गिरावट नज़र आना मुश्किल है, तगड़े सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। जैसे ही 81.50 का लेवल ब्रेकआउट होगा वैसे हमको बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। वैसी सिचुएशन में फिर हमको 84 से पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद हमारा 90 का लेवल हमको, और फिर पीएनबी में हमको 100 तक के भी टारगेट देखने के लिए इजीली मिल सकते हैं। अभी हो सकता है कि हमको मंडे के दिन 84 तक का इसमें जंप देखने के लिए मिले, 84 की लेवल से स्टॉक हमको रिजेक्शन थोड़ा सा करेक्शन बता सकता है, लेकिन यहाँ भी इसके टारगेट और बढ़े इसमें हमको पूरी पूरी तेज़ी के चांस नज़र आ रहे हैं।